Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.com. नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुन लिया गया। मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेगी, इस पर रस्साकशी जारी थी। एनडीए में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की, अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस बीच मंत्री पद के संभावित चेहरे के नाम पर चर्चा तेज हो रही है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह मिल सकती है। इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा वीडी शर्मा, नित्यानंद राय, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश से फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुमार खटीक, बिहार से विवेक ठाकुर, ठाकुर जी प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा और डॉक्टर संजय जायसवाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर महेश शर्मा, जितिन प्रसाद, सत्यपाल सिंह बघेल और विनोद कुमार बिंद का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से विजय बघेल, ब्रजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे का नाम आगे है। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड से निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी, विद्युत वरण महतो और संजय सेठ का नाम आगे है। इसी के साथ ही हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, चौधरी धर्मवीर को जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में भी सामने आ रहे हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को मात देकर सांसद चुनी गई हैं। चर्चा है कि नई दिल्ली से पहली बार सांसद चुनकर संसद पहुंचने वाली बासुरी स्वराज को मोदी के नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।